एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम खेलेंगे अमंगस और लास्ट में हम जानेंगे अमंगस की स्टोरी। तो ये होगी हमारी एक नई सीरीज, इसमें हम गेम प्ले करेंगे बट उसके साथ हम लास्ट में उस गेम की स्टोरी बताएंगे। जिस गेम की मुझे स्टोरी पता होगी मैं उस गेम की स्टोरी बताऊंगा। और तो ऑनलाइन खेलते हैं हम। फाइंड पब्लिक ओ एंटर नेम ना, हाँ पर हम अपना नाम डालते हैं गेमिंग मास्टर। ओ जिंगा मास्टर नहीं डालना, गेमिंग मास्टर। अबे डबल मास्टर, ASTER मास्टर, गेमिंग मास्टर। ओके क्या बात है, गेमिंग मास्टर शिवा। फाइन पब्लिक गेम, मुझे चाहिए 3 पोस्टर वाला। द स्केल्ड एनी 1 2 3 पोस्टर। ओके मैं आ गया हूँ, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज इम्पोस्टर यार, क्रू मेट शिट मैन, द स्केल्ड में हूँ मैं, गेमिंग मास नाम है। तुम्हें पता है यूबी अभी सो रहा था, है ना दोस्तों, है ना यूबी, तुम सो रहे थे। हाँ मैं सो रहा था, मुझे नींद आ रही है, क्या सुन दो। और मैं ये बताना भूल गया कि मैं अभी 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ये देख सकते हो तुम ऊपर 10:28। भागलो रे गेमिंग मास गेमिंग। ए ये 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 कुछ गड़बड़ लग रहे हैं मेरे को, सारे गड़बड़ लग रहे हैं। स्टोरेज, ये क्या है, ये तो एडमिन है, यहाँ पे कोई टास्क वास्क नहीं है मेरे लिए। देखिए तो अभी तक तो कोई टास्क नहीं है यहाँ पर, आगे सब यहीं, आगे सब यहीं, आगे सारे इम्पोस्टर हैं, हट जाओ सब, पिटोगे नहीं तो बजा गे रहूँगा मैं जा रहा हूँ। डेड बॉडी रिपोर्ट टूडन। ओके तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसे मारा है, येलो ने मारा, येलो ने मारा है। पोलस येलो पोलस प्रो ही पोलस ही बम 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 बम। ऑरेंज विद मी यो, ऑरेंज विद मी। ऑरेंज खुंजा वाज द इम्पोस्टर, 0 इम्पोस्टर रिमेन्स। विक्ट्री, ये आई एम द नो वन योर केटरसन। बुद्धिजीवी भाग गया, पोलस प्रो बुद्धिजीवी भाग गया। टारावार मुझे बचा, टारावार यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, टारावार अले क्यों ट्यूब है ऐसे बोलना। हेलो गाइस आज हम खेलेंगे अमंगस, ऐसे बोलना। हेलो गाइस आज हम खेलेंगे अमंगस। देखो यूवी भी बोलता है हमारा छोटा सा भैया। चल गया गेम, नहीं खाएगा। वहाँ पे इम्पोस्टर खाता है, मैं उसकी पिटाई कर दूंगा इम्पोस्टर की। ये क्या है, यहाँ पे कीचड़ लगा रखा है इन्होंने, या फिर ये कोई, बस समझ आया करो।
चलो कमेंट करो नीचे कि मुझे ये क्या लग रहा है। टी से कुछ नाम है उसका, उस चीज का टी से कुछ नाम है। और यहाँ पे इतने बंदे, ये ओ मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और ओए 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 बाबे, अंधेरे में ले जाके मारना चाहता है मेरे को। मारेगा ये मुझे, मारेगा ये मुझे, ये मेरा पीछा कर रहा है। पिछू पिछू आ रहा है ये मेरे, ये मुझे पिटाई करेगा। अब पिछू पिछू आ रहा है ये, बच गया। पिछू पिछू आ रहा था ये मेरे, पिछू पिछू। ये ओ है, ओ है, ओ है, ओ ओ ओ ओ लेफ्ट द गेम। N-O-Z-A-M Nizam 98 following rolling FOLLOWING following, he following me. Okay, he following me. LOL, कितना लंबा लॉल लिखा है। बूम चिक बूम चिक, मैंने तो तुझे वोट किया भाई, तू तो गया, तू ही है इंपोस्टर पक्का, तू मुझे फॉलो कर रहा था। प्लीज यार ये इंपोस्टर हो, ये इंपोस्टर तो कौन है? वन इंपोस्टर रिमेंस। भाग लो भाग लो, ये पक्का पक्का कुंजी कुंजी है, पक्का कुंजी कुंजी, पक्का कुंजी कुंजी है, पक्का कुंजी कुंजी है, पक्का खुंजी खुंजी है, पक्का खुंजी खुंजी है, पक्का खुंजी खुंजी है। यार ये खुंजी खुंजी कुछ गड़बड़ है। और नहीं, ये पिंकी इंकी पिंकी पॉन्ग की फादर है जो डोंकी, ये कुछ गड़बड़ है। मैं निकल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया, मैं जा रहा हूँ। जानना मुझे मारा टोरा मीरा एच क्यू में है हम, मीरा एच क्यू में। ओके ये पर्पल कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके इमरजेंसी मीटिंग बुलाने जाता हूँ मैं, चलो इमरजेंसी मीटिंग बुलाने चलते हैं। पोलस को नहीं छोड़ूंगा मैं तो, उसको नहीं छोड़ूंगा, पर मैं मारूंगा कैसे, मैं तो इम्पोस्टर ही नहीं हूँ। मैं निकलता हूँ यहाँ से, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ से जाके, यहाँ से इमरजेंसी डेड बॉडी रिपोर्ट। आउच 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 आउच, पोलस 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 है, पोलस पोलस है, पोलस। हेलो एवरीवन, हमने उनको टक्का दिया, क्या बात है। खुंजा खुंजी अभी भी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, खुंजा खुंजी अभी भी कुछ गड़बड़ है, ये मेरे को फॉलो कर रहा है। खुंजा खुंजी मुझे छोड़ दे, खुंजा खुंजी मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट करने। उसको मैं बार बार पागल बना के भाग जाता हूँ। ये खुंजा खुंजी मेरे को फॉलो कर रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ है। ये खुंजा खुंजी मेरे को फॉलो कर रहा है, ये खुंजा खुंजी मेरे को फॉलो कर रहा है। नहीं नहीं, डिफीटेड। ओ यस, ओ माय गॉश, डिफीटेड, हम हार गए यार, कैसे हम हार गए, हम क्यों हार गए, हम क्यों हार गए, हम क्यों हार गए, हम क्यों हार गए, ए ए ए ए, हम क्यों हार गए, हम क्यों हार गए, हम क्यों हार गए। अबे यार ये ऐड कहाँ से टपका, हट जा। चलो
चलो दो मैचेस खेल लिया, अब स्टोरी टाइम, लीव गेम। तो तुम्हें पता है जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें कितने मैप्स मिलते हैं? मेरा HQ, पोलस और 10 स्केल्ट। तो ये जो 10 स्केल्ट है ये एक शिप है। यूबी क्या तुम भी स्टोरी सुनना चाहते हो अमंग अस की? हाँ ठीक है। तो ये जो स्केल्ड है ना, ये मीरा HQ ना एक हेडक्वार्टर है जहाँ पे इन्होंने एक प्लेनेट पर सोचा था कि वो कैसे बताऊँ जीवन ढूंढे। हाँ एक प्लेनेट पर एक और प्लेनेट अर्थ के अलावा जीवन ढूंढे। तो मीरा HQ ने एक 10 स्केल्ड वो 10 स्केल्ड शिप को भेजा, अलग अलग टीम्स को भेजा पोलस प्लेनेट पर। उन्हें एक प्लेनेट मिला जिसका नाम था पोलस। अब वहाँ पर बहुत ठंड थी बट वहाँ पर लावा भी था और उन्हें वहाँ पर जीवन मिल गया था। पर वहाँ पर एक वायरस था जो जिंदा रहता था। उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि वो इंसान को शैतान में बदल देता था। सच में वहीं से इम्पोस्टर की शुरुआत हुई। एक दिन वो बॉटल वायरस वाली उनसे टूट गई, वायरस फैल गया, कुछ लोग उसकी चपेट में आ गए और वो लोग बन चुके थे इम्पोस्टर। वो दिखते थे बाहर से क्रूमेट पर अंदर से वो राक्षस बन चुके थे, एकदम राक्षस, और वो किसी को भी मार सकते थे, कभी भी किसी को भी। बट उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो बार बार बिना रुके मार सके, इसलिए वो कूल डाउन होता है जब भी आप इम्पोस्टर बनते हैं। उनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो बार बार एक एक भी सेकंड का आराम ना लिए मार सके सबको। उस वायरस के अंदर इतनी ताकत नहीं थी। तुमने देखा होगा कभी कभी जब हम मारते हैं तो फिर उसके पेट में से एक लंबी सी चीज निकलती है और वो सर में डाल देता है क्रियोमेट के। अब इसलिए मैंने बोला क्योंकि वो अंदर से राक्षस बन चुका था, उसकी जीभ इतनी पैनी हो चुकी थी कि वो किसी का भी सर धड़ से अलग कर सकता था। उसकी जीभ इतनी पैनी हो चुकी थी और उसके दांत भी कि वो किसी को भी चबा जाए ऐसा। तो ये पोलस प्लेनेट पर हुआ और धीरे धीरे कर कर ये मेरा HQ में गया और उन्होंने एक और शिप भेजी पर उसके अंदर भी वो वायरस आ गया। और वो जब वो लोग वापस आए तो उसमें से कुछ लोगों को वायरस लग चुका था और वो मीरा HQ में भी फैल गया। उसके बाद वो 10 स्केल्ड नाम की शिप में और पोलस में तो सबसे पहले फैला ही था, उसके बाद वो मीरा HQ में भी फैल गया। तो यही थी मेरी स्टोरी, यही था गेम प्ले। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।